Good afternoon, my dear students. How are you all? So today I am going to teach you about tenses. In English grammar, tense is very essential part, and I think that you should know about tense because this is the most important part of tense. Okay, you know, if you want to become a good writer, become a good student in English, so you must know about tense, because on the basis of tense you can write very good English and you can speak also. So this is very good topic. Okay, so I am going to teach tense, and you watch this video and you will achieve very good knowledge. Okay, so tense ko Hindi mein kya bolte hain? Kal bolte hain. You can say kal, samay. Sabhi log jante hain, बचपन से पढ़ाया गया. देर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस. बेसिकली टेंस तीन प्रकार के होते हैं. देर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. सभी लोग जानते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. बहुत से लोग शुरू में बोल देते हैं कि टेंस बारह होते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. इसके बाद इनके जो चार पार्ट होते हैं, देर आर फोर काइंड्स ऑफ ईच टेंसेस. यू कैन से देर आर फोर काइंड्स ऑफ ईच टेंसेस. अब इन्हीं चार पार्ट्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे 12 टेंस हो जाते हैं. जैसे यहाँ पे है, अगर पहला हमारा है इंडिफिनिट टेंस, सेकंड है कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है परफेक्ट टेंस, फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसमें ध्यान देने वाली ये बात होगी कि इंडिफिनिट टेंस की स्पेलिंग जो होती है, इंग्लिश में स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस देना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़रूरी है. आई एन डी ई एफ आई एन आई टी ई टेंस, इंडिफिनिट टेंस. कंटिन्यूअस C-O-N-T-I-N-U-O-U-S. इस कंटिन्यूस की स्पेलिंग में बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं. द स्टूडेंट्स डू वेरी मिस्टेक इन द स्पेलिंग. सो दिस इज अ सजेशन टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज डोंट राइट रॉन्ग स्पेलिंग. ओके, सो C-O-N-T-I-N-U-O-U-S, कंटिन्यूस, नॉट. बहुत से बच्चे करते क्या है, C-O-N-T-I-N-U को छोड़ देंगे, O-U-S कर देते हैं. ये गलत है, ध्यान दीजिएगा. C-O-N-T-I-N-U-O-U-S, continuous tense. या इसको बोलते हैं progressive tense भी बोलते हैं. Progressive tense, P-R-O-G-R-E-S-I-V-E. Perfect tense, unperfect, continuous tense. ये जो हमारे चार पार्ट हैं, इन्हीं चार के सहारे हम 12 टेंस करते हैं. जैसे अगर हम प्रेजेंट टेंस में बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो ये हो गए हमारे पूरे तीन टेंस के सहारे हमने 12 टेंस कर लिया. यानी कि एक के चार पार्ट हैं तो तीन के हमारे होंगे आपके 12. तो ये हो गए हमारे 12 टेंस. अब अभी तो हमने बस बताया कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, इनके चार पार्ट होते हैं. लेकिन अब इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब. इस पूरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कैसे इसको लर्न करते हैं, रूल क्या उसका है, वो अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को. और ये बहुत ज़रूरी है, अभी हम तुरंत इसको बता रहे हैं कि कैसे प्रोटेंस की हेल्प में हम लिखते हैं. सो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि टेंस टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं. तो तीन टेंस हमने 12 टेंस बनाया, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब उसमें आती है कि पूरे 12 टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कैसे पूरे 12 टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम एक चार्ट में बनाकर याद कर सकते हैं. ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया है पूरा, आप लोग समझ सकते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और यहाँ पे इसके पार्ट हैं इंडिफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो ये जो चार्ट है इसमें बहुत डिफिकल्टीज नहीं है, बस थोड़ी सी बस केयरफुली आप लोगों को वॉच करना है और समझना है. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हेल्प में क्या होती है, डू और डज होता है. डू और डज, इसमें हम डू और डज लगाते हैं. ठीक है, डू और डज कहाँ लगाते हैं, अगर अभी तो मैं हम बस केवल हेल्पिंग वर्ब बता रहे हैं, अभी पूरे टेंस के बारे में. जैसे अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात की जाए तो नेगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि जब होता है ना कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरगेटिव सेंटेंस, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के जब आती है नेगेटिव सेंटेंस तो वहाँ पे डू और डज लगाते हैं. डू और डज कहाँ यूज करते हैं ये आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो वो भी हम बता देंगे. डज का प्रयोग करते हैं ही, सी, इट, एनी नेम एंड एनी सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाते हैं. बाकी आई, वी, यू, देख साथ हम डू लगाते हैं. वो अभी हम इसके बाद अगले वीडियो में पूरा हम आप लोगों को बता दें कैसे किस टेंस के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग
किस पर्सन के साथ करते हैं, अभी हम उसको समझा देंगे। पहले हम चार्ट बता देते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिटिव टेंस में डू और डस का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर या इज आर एम लगाते हैं, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसमें लगाते हैं, जैसे कि आई एन जी, राम इज गोइंग टू हाउस, ही इज डूइंग हिज वर्क, ऐसे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लगाते हैंज और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस और फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस का। पास्ट इंडिफिनिट में डिड लगाते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम डिड लगाते हैं, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, और चाहे इंटरोगेटिव हो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वर का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे पॉइंट जो है नोट करने वाली होगी, कहाँ पे हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म, कहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सिंस और फॉर लगाते हैं। सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं अभी हम बता देंगे। निश्चित समय के लिए सिंस, सिंस जैसे कि आपका हुआ बचपन से, बुढ़ापा से, जवानी से, सुबह से, दोपहर से, 6 बजे से, जनवरी से, फरवरी से, तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग कर क्या करते हैं, 2 महीने से, 2 घंटे से, 4 महीने से, काफ़ी लंबे टाइम से, तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान देनी होगी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वो हम बता देंगे आपको कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव यानी कि असर्टिव सेंटेंस में। अभी क्या होता है असर्टिव, क्या होता है, दो, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। केवल ये 12 टेंस में एक ऐसा टेंस है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ये हो गया हमारा पास्ट टेंस का। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में हम विल और शैल का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी, शैल बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, टाइम, सिंस फॉर लगाते हैं। ओके, ये हो गया हमारा फ्यूचर का पूरा पार्ट, और ये हो गया पास्ट का, ये हो गया हमारा प्रेजेंट का। ये चार्ट आप इसको नोट भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। थोड़ी सी टॉपिक अगर हम दें फ्यूचर पे, तो इसमें विल और शैल का प्रयोग कहाँ करते हैं, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं। वेरी सिंपल, आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। बाकी जितने भी बचते हैं हमारे प्रोनाउन, तो जैसे ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, यू हुआ, दे हुआ, तो वहाँ पे विल लगाते हैं। बट अब क्या है ना कि मॉडर्न इंग्लिश में सबसे तो हम विल ही लगाते हैं, जैसे आई विल किल हिम, आई विल डू दिस वर्क, आई विल गो हियर, आई विल सिंग अ सॉन्ग, आई विल राइट अ पोयम, तो सबसे तो विल लगा रहे हैं मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम जगह पर पढ़ाई भी जा रहा है, मैक्सिमम स्कूल में विल ही लगाया जाता है। बट विल का प्रयोग वैसे करते हैं कहाँ पे, जैसे कोई बहुत ही नेसेसिटी वर्क हो, बहुत ही जरूरी वर्क हो, या किसी को धमकी दी जिस, मैं तुम्हें कल मार दूंगा, आई विल किल यू, जब कोई बहुत जरूरी काम होता है, तब वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं, विल के जगह पर शैल और शैल के जगह पर विल लगा देते हैं। तो इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आप लोगों को बुक्स में मिलेगा, ग्रामर की बुक में, कि विल और शैल कहाँ लगाते हैं। बट बेसिकली यही पढ़ा जाता है कि आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी जितने भी हैं उनके साथ हम विल लगाते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे पूरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और इसके सहारे आप समझ सकते हैं कि किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि बेटा इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, तो आपको तुरंत आना चाहिए कि हाँ रूल क्या है, प्रोसेस क्या है। अब मैं आप लोग बताऊंगा कि किस, जैसे कि मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब प्रयोग जितने भी हमारे पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो कैसे यूज करते हैं उसको भी हम अभी बता दे रहे हैं तुरंत। ओके, तो अभी चार्ट बताने के बाद मैं बताऊंगा आप लोगों कि किस टेंस के साथ, किस टेंस में कितना हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, कौन से हेल्पिंग यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगाते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं, जो हमारे पर्सन होते हैं, है ना, तो कैसे यूज करते हैं उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को। और इसके बाद अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं एक चार्ट होता है पर्सन चार्ट, उसको भी मैं अभी आप लोगों को बना के समझा दे रहा हूँ अभी इसी के बाद तुरंत। यहाँ पे मैं लिखा हूँ ही सी इट नेम, कोई भी नाम हो, राम, श्याम, मोहन, ही सी इट नेम, सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या क्या लगाते हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब, डज लगाते हैं, हैज लगाते हैं, इज लगाते हैं, वाज लगाते हैं, डिड लगाते हैं, और विल लगाते हैं। ये बहुत ईजी वे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे लर्न करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे हम कैसे यूज करते हैं। डज, हैज, इज, वाज, डिड, विल। आई के साथ तो एम लगाते हैं, सब लोग जानते हैं, आई एम अ गुड स्टूडेंट, जैसे बोलते हैं आई एम अ सिंगर, आई एम अ पोएट, आई एम अ बॉय, तो यहाँ पे आई से एम लगाते हैं। आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, अभी हम बताए हैं आई और वी के साथ सेल लगाते हैं।
इसके बाद यू वी दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हैव आर हैड डिड वर और डू लगाते हैं। इसको हम वर पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ते हैं। वर और वेयर में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। डब्ल्यू एच ई आर इसको वेयर पढ़ते हैं और डब्ल्यू ई आर इसको वर पढ़ते हैं। ये इंग्लिश जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। बहुत से बच्चे इसको वेयर पढ़ते हैं, बेसिकली गांव के बच्चे वेयर पढ़ते हैं, बिकॉज गांव के बच्चों का जो थोड़ा सा पता है जो प्रोनाउंसिएशन वो सही नहीं होता है, तो इस बात पे फोकस देना होगा। इसको हम वर पढ़ते हैं, इसको वेयर पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा टेंस की हेल्पिंग वर्ब, कैसे हम यूज करते हैं, कहाँ पे समझते हैं। इसके बाद जो पर्सन होते हैं ये आप लोग समझ सकते हैं और इसके सारे आप टेंस बना सकते हैं और टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पर्सन चार्ट जो होता है कैसे हम लर्न करते हैं और किस तरह से हम सेटिंग करके उसको माइंड में फिट कर सकते हैं। अभी मैं पर्सन चार्ट बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। सो ये प्रोनाउन चार्ट है। अभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बाद मैं सोचा कि आप लोगों को प्रोनाउन चार्ट बता ही देता हूँ, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप चाहे एक्टिव पैसिव पढ़िए, चाहे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़िए, यू कैन से नरेशन पढ़िए, तो ये सब में आपको काम आएगा और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो इसको बारीकी से समझिए, देखिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए, खासतौर पे सभी बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा काम करेगा। प्रोनाउन चार्ट बोलते हैं इसको। तो इसमें मैंने पहले यहाँ पे लिखा है पर्सन, फिर ये लिखा है सब्जेक्ट, इसको आप लोग बोल सकते हैं नॉमिनेटिव केस, ये हमारा नॉमिनेटिव केस है। कर्ता कारक बोलते हैं इंग्लिश में, कर्ता कारक भी बोलते हैं इसको। ये हमारा है ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक, ये होता है हमारा पजेसिव केस, संबंध कारक। जैसे हिंदी में तो पढ़े हैं सात कारक होते हैं, आप लोग जानते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में तीन होते हैं। कौन कौन? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। यहाँ पे इसको बोलते हैं पजेसिव, नॉट पोसेसिव। बहुत से बच्चे बोलते हैं पोसेसिव केस, वो गलत चीज़ है, पजेसिव केस बोलते हैं इसको। तो अब ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इंग्लिश में तीन पर्सन होते हैं, देयर आर थ्री काइंड ऑफ पर्सन इन इंग्लिश ग्रामर, थ्री, ओनली थ्री पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन, और ये जितना भी मैं चार्ट बनाया ये सब प्रोनाउन है, ये सब के सब प्रोनाउन है, आप लोग समझिए इसको। प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन के प्लेस पे जो हम यूज करते हैं उसे प्रोनाउन बोलते हैं, यू नो। तो ये प्रोनाउन जो है आई यू ही सब प्रोनाउन है जितना भी है। अब इसको कैसे याद करते हैं? आई मी माई माइन, वैसे हम माई तक ही लेते हैं, आई मी माई वी अस आर, ये सब पूरा हमारा फर्स्ट पर्सन है। ये क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन, ये पूरा कैसे लर्न करते हैं? आई मी माई वी अस आर, ठीक। सेकेंड पर्सन में केवल यू आता है, आई हमारा सिंगुलर है, ये आपको पता होना चाहिए। आई क्या है? सिंगुलर है, और वी क्या है? प्लूरल है, ठीक है। और यू यू तो ऑलरेडी प्लूरल होता है, और यू अकेला ही है सिंगल, जो हमारा सेकेंड पर्सन है। यू यू योर ही होता है, इसमें जो हमारा थर्ड पर्सन है इसमें ही सी इट दे, ही का जब हम करते हैं लर्न तो ही हिम, सॉरी ही हिम हिज, ही हिम हिज, सी हर हर, इट इट इट्स, दे देम देयर। तो ये हम ऐसे याद करते हैं, ही हमारा सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है, और देयर क्या है? प्लूरल है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और यू तो ऑलरेडी प्लूरल होता है, पता ही आप लोगों को। तो ये जो पॉइंट्स है कैसे हम चार्ट को याद करते हैं, आई मी माई वी अस आर, यू यू योर, ही हिम हिज, सी हर हर, इट इट इट्स, दे देम देयर। तो ऐसे इसको लर्न करते हैं। और अभी इसका यूज कहाँ करते हैं? जैसे आप जब पैसिव पढ़ोगे ना, तो पैसिव में मैंने एक वीडियो बनाया है, पहली वीडियो कॉपी में, अभी उसको हम ऐसे भी समझाएंगे। पैसिव में बदलते हैं आई को मी, वी का अस, यू का यू यू होता है, ही का हिम, सी का हर, दे का देम होता है। तो हम चेंज करते हैं पैसिव में। और जब बात आती है नरेशन की, तो नरेशन के लिए इफ यू वॉन्ट टू रीड, इफ यू वॉन्ट टू मेक नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, सो यू विल हैव टू लर्न दिस चार्ट। विदाउट दिस चार्ट यू कैन नॉट ट्रांसलेट इन टू इनडायरेक्ट स्पीच एंड इन टू पैसिव। सो दिस इज वेरी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एक्टिव पैसिव एंड इनडायरेक्ट नरेशन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू लर्न दिस चार्ट, ओके। सो ये बहुत जरूरी है, ध्यान लीजिए, इंग्लिश के छात्रों के लिए बहुत जरूरी है। पर्सन कितने होते हैं? तीन होते हैं। प्रोनाउन के जो चार्ट होते हैं कैसे हैं, इस तरह से आप इसको समझ के, एक बार नहीं समझ में आए, दो बार, तीन बार, चार बार इसको वॉच कीजिए, देखिए, समझिए, समझ में आएगा। और ये ग्रामर के बेस पे बहुत जरूरी है, सभी के जरूरी है, चाहे वो सिक्स क्लास के बच्चे हों, चाहे वो 12th के बच्चे हों। और बिकॉज
इंग्लिश राइटिंग में क्या होता है ना कि इफ यू वांट टू राइट अ गुड इंग्लिश, अ करेक्ट इंग्लिश, सो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामेटिकल पोर्शन, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन चार्ट यू कैन राइट गुड इंग्लिश, एंड विदाउट ग्रामर पोर्शन, विदाउट पर्सन चार्ट यू कैन नॉट राइट गुड इंग्लिश. है कहाँ पे क्या लगाना है, कैसे लगाना है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, तो ये हो गया हमारा पर्सन एंड प्रोनाउन चार्ट. सो आगे अभी हम जो समझाएंगे उसमें आप लोगों को हम नरेशन, पैसिव, कुछ पोइट्री, कुछ फिक्शन के बारे में बताएंगे. तब तक इतना समझिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है. कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे.